डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमदा साले के जेर सदारत मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान का अहम इजलास मुनक्किद किया गया। ईद उल फितर पर तैयारियों के सिलसिले में इंतजाम का जायजा भी लिया गया। पानी की सप्लाई स्ट्रीट लाइट्स यकीनी बनाने के लिए अवामी शिकायत को मौके पर हल करने के अहकाम भी जारी किए गए। इजलास में चीफ ऑफिसर मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन जवादुल हसन कोंड और म्यूनसिपल अफसरान भी मौजूद थे। ईद के मौके पर म्यूनसिपल सर्विसेज की फरामी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद उल फितर के अयाम में म्यूनसिपल अफसरान और स्टाफ अवामी खिदमत को यकीनी बनाएंगे। शहरी विजट के दौरान गटरों के ढकनों की दस्तियाबी मुमकिन बनाई जाए। नाइट स्टाफ को मुतहरिक किया जाए। डिस्पोजेबल और पेट्रोल इंजनों को चालू रखा जाए। शहरियों की शिकायत पर फौरन रिलीफ के लिए तमाम वसाइल पुरेकार लाए जाए। पीने के पानी के टैंक्स को एडवांस तैयार रखा जाए ताकि बर वक्त सप्लाई मुमकिन बनाई जा सके। पानी खींचने के लिए घरों में लगे मोटरें बंद करवाई जाएं। अफसरान और स्टाफ डेली की अपनी सरगर्मियां ऐप पर अपलोड करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मैं खुद अफसरान और स्टाफ के काम को मौके पर चेक करूंगा। ईद के दिनों में शहरियों को फौरी रिलीफ दिया जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की शिकायत सेल का नंबर शहर भर में अवेजा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, ईद उल फितर की तातीलात के दौरान किसी अफसर का मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। इजलास में ईद उल फितर पर म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के बारे में अहम फैसले भी किए गए।